हेलो दोस्तों, मैं शशिकरण चौधरी आपके अपने चैनल स्टडी विद शशिकरण चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको यूपी लेखपाल से संबंधित जो ग्रामीण समाज के अंदर यूपी जी के आता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर आए हैं और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए ये है यूपी का आधिकारिक नाम की घोषणा कब की गई। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम है वो कब पड़ा। तो देखिए इस ऑप्शन के आंसर 1836 दिया हुआ है, 1870, 1937 और 1950। तो उत्तर प्रदेश का जो असली नाम है उत्तर प्रदेश कब पड़ा, 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को पड़ा। कब पड़ा गए? 24 जनवरी 1950 को पड़ा हमारा ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। कब पड़ा था गए? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को पड़ा था हमारा, 24 जनवरी 1950 को पड़ा गया। ओके, तो हम देखिए अब बताते हैं आपको फैक्ट। 1836 में क्या हुआ था? 1836 में हमारा उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था। क्या पड़ा था? उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा इसका नाम। ओके गाइस, तो ये हमारा 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा था। और इसके बाद में 1870 में चलते हैं, तो 1870 में हम आपको बताते हैं, देखिए 1870 में हमारा आगरा अवध संयुक्त प्रांत क्या था? आगरा अवध संयुक्त प्रांत था। और 1937 में हमारा यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। 1937 में क्या था? संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। ओके गाइस, तो अब हम इसी के साथ नहीं, अभी दो फैक्ट और मान लीजिए कुछ फैक्ट और हम आपको बताते हैं, जैसे कि दो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, एक नवंबर 1956 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आ जाती है 1956 को। क्या था? 1 नवंबर 1956 को। और यूपी का विभाजन, अब देखिए विभाजन हुआ था, विभाजन कब मनाते हैं? 9 नवंबर 2000 को। कब? विभाजन जो था हमारा 9 नवंबर को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर उत्तरांचल नाम का नया राज्य बनाया हुआ था, जो बाद में चलकर उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध माली हो गया। ठीक है, तो ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपी की राजधानी लखनऊ कब बनी? जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी जो है लखनऊ हमारी कब बनी? तो देखिए इसी यूपी की राजधानी पहले अंग्रेज जी शासन था, बदलती रही है, ट्रांसफ़र होती, लेकिन बाद में मान लो यूपी की राजधानी जो लखनऊ थी, लखनऊ कब बनी? देखिए तो हमारे ऑप्शन के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ कब बनी, ये हमारी 1935 में राजधानी लखनऊ बनी। ठीक है, और अब हम इनके फैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए 1836 में क्या हुआ था, 1836 में हमारी राजधानी यूपी की क्या थी? आगरा थी। ठीक, 1836 में आगरा थी, एवं 1858 में इलाहाबाद क्या थी? इलाहाबाद थी 1858 में इलाहाबाद थी। और 1921 में क्या था? 1921 था जो हमारा, इसमें क्या था? 1921 में लखनऊ की राजधानी जो लखनऊ राजधानी थी उसकी घोषणा की गई थी। 1921 में लखनऊ राजधानी बनाने की घोषणा की गई, लेकिन पूर्ण रूप से 1935 में लखनऊ राजधानी पूर्ण रूप से बनी। तो इसका आंसर हमारा 1935 हो गया। ओके भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फैक्ट दिया हुआ है, हमने बिल्कुल VIP तरीके से फैक्ट बनाया, माने जो PDF बनाया उसमें दिया हुआ है सब कुछ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, लेकिन ये इनकी नहीं है, इनके बाद है। ये क्या है? इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बने? अर्थात क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। मान लीजिए प्रथम, देखिए एग्जाम सेटर जो पेपर सेट करता है, पेपर सेटर बहुत चालाक हो गया है। प्रथम मुख्यमंत्री तो सभी की जुबान में रटा हुआ है, लेकिन वो अब द्वितीय मुख्यमंत्री पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब हम इसके फैक्ट के बारे में जानते पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। ठीक है, द्वितीय मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी थे, जो कि 1954 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। ओके भाई, अब देखिए हम आपको बताते हैं फैक्ट की ओर चलते हैं। जो अखिलेश यादव जी लिखे हुए हैं, ये क्यों हमने लिखा है, इनके फैक्ट के बारे में बताया। अखिलेश यादव जी, ये जो हमारे अखिलेश यादव जी, ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ये कब? 38 वर्ष की आयु थी जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये कब?
38 वर्ष में, कब 38 वर्ष में मुख्यमंत्री बने यूपी के, सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। ओके गाई, अब हम चलते हैं राम प्रकाश गुप्ता जी की ओर। तो राम प्रकाश जो गुप्ता जी है, अब इनके बारे में फैक्ट आपको बताते हैं। ये राम प्रकाश जो गुप्ता जी है, ये उत्तर प्रदेश के, राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री बने। सबसे ज़्यादा उम्र थी उस समय जब ये मुख्यमंत्री, जब उनकी इनकी उम्र कितनी थी, 76 वर्ष थी। कितनी थी भाई, 76 वर्ष थी। कितनी, 76 वर्ष की उम्र में, ये 76 वर्ष की उम्र में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। ये तब इनकी उम्र 76 वर्ष थी, 76 वर्ष। अब देखिए, अब हम चलते हैं सुश्री मायावती जी की ओर। तो ये हमारी मायावती जी हैं। तो देखिए, मायावती जी के बारे में आपको फैक्ट बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री भी रही हैं। कितनी, 4 बार। ओके गाइस, तो ये हमारे देखिए तीसरे क्वेश्चन का फैक्ट, इसके बारे में जानकारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमने इसके बारे में फैक्ट दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। और देखिए गाइस, एक ये फैक्ट हो सकता है कि यदि अखिलेश यादव जी यदि सबसे, जैसे क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, यदि अखिलेश यादव जी न दिए हुए हों तो वहाँ पे सुश्री मायावती होंगी, क्योंकि 38 वर्ष की उम्र में अखिलेश यादव बने थे और 39 वर्ष की उम्र में सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद करना, ये फैक्ट ऐसे बहुत काम देते हैं, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। ये वो क्वेश्चन पुराने हो गए, जो घिसे पिटे क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे विकल्प देखिए, चौधरी नारायण सिंह, सुचिता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो अब हम इसके अनुसार देखते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम चौधरी नारायण सिंह था। क्या था, चौधरी नारायण सिंह था। ठीक है, अब हम इनके फैक्ट के बारे में चलते हैं, फैक्ट देखते हैं। तो इसमें हमारा दिया सुचेता कृपलानी जी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी बनी। ठीक है, और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मायावती जी थी, लेकिन ये प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अब चौधरी चरण सिंह जी पे चलते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी पे चलते हैं, और विश्वनाथ प्रताप जी पे। तो ये देश के ऐसे सीएम हैं, हमारे यूपी के ऐसे सीएम हैं, सॉरी देश के बाद में ये चल, ये दोनों जो हैं हमारे ऐसे यूपी के सीएम हैं जो भावी प्रधानमंत्री बने, आगे चलकर उत्तर जो कि भारत के क्या है, पीएम बनते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों जो दिए हुए हैं, ये दोनों आगे चल करके पीएम बनते हैं। क्या होता है, भारत के पीएम बनते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे फैक्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल पूछे हुए हैं, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, देखिए सरोजनी नायडू जी नहीं है, यही तो आंसर गलत है। सरोजनी नायडू जी बिल्कुल नहीं है, सरोजनी नायडू जी यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज, मान लीजिए प्रथम राज्यपाल एवं प्रथम महिला राज्यपाल क्या है, सरोजनी नायडू जी ही हैं। यदि आए क्वेश्चन, देखिए फैक्ट आजकल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है घुमा फिरा के, यदि आए संयुक्त प्रांत की, तो संयुक्त प्रांत में आए तो सरोजनी नायडू जी हैं। यदि संयुक्त प्रांत की आए, जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसमें संयुक्त प्रांत में तो सरोजनी नायडू जी थी। यदि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम जो होरमस जी मोदी जी, एसपी मोदी जी, इनका नाम ही है। ये फर्स्ट उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने हैं। ठीक गाइस, हम नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। शशिकांत वर्मा जी हैं, जो शशिकांत वर्मा जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि हमारे राज्यपाल बने। ठीक है, और ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी बने उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये प्रथम कार्यवाहक, और ये क्या थे, न्याय मुख्य न्यायाधीश भी थे, न्यायाधीश भी थे, न्यायाधीश थे जो कि आगे चलकर राज्यपाल बने। और ये राज्यपाल क्या, कार्यवाहक प्रथम राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के बने। अब हम चलते हैं मोहम्मद शफी कुरैशी जी। तो मोहम्मद शफी कुरैशी, जो हमारे मोहम्मद शफी कुरैशी जी दिए हुए हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार, ये जो मोहम्मद शफी कुरैशी जी हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार 2 बार, कब 2 बार ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं, कब,
कब कब देखिए हम आपको बता दें कब कब, ये दो बार बनते हैं 1996 में और 1998 में। कब? 1996 और 98 में दो बार ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। और इन्हीं के साथ में एक फैक्ट और आप लोग लिख लेना, बी एल जोशी जी हैं जो हमारे ना, ये भी उत्तर प्रदेश के दो बार राज्यपाल बनते हैं। कब? 2009 में, 9 से 14 ये दो बार बनते हैं। मान लीजिए इनका कार्यकाल काफ़ी बड़ा 5 वर्ष का रहता है, ये 2009 से 2014 तक रहते हैं। ठीक है, इसी के बीच में दो बार राज्यपाल बनते हैं और इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। ठीक है, तो हमारे राज्यपाल से संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट हैं ये हो चुके हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल ही हैं, आप सभी को मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम पूछ रहा है, तो हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। ओके गाई, लेकिन यदि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक या कार्यकारी अध्यक्ष हैं विधानसभा अध्यक्ष वो कौन थे, तो ये हमारे नफीसुल हसन। ये क्या, हम आपको यहाँ बता रहे हैं जो कार्यवाहक थे नफीसुल हसन। कौन थे? नफीसुल हसन। ये हमारे क्या थे? ये नफीसुल हसन है जो ये प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, और ये प्रथम मुस्लिम भी थे। ठीक है, तो ये हमारा आपका एक फैक्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेकर चलिए। ठीक है भाई, और इसी के साथ में हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल जी थे। और उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री निजामुद्दीन जी थे। और एक फैक्ट और लेकर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो हो गए, लेकिन वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हमारे हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, जो अभी 2017 से अभी मान लीजिए चल रही है, करंट की जो विधानसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है, उसके अभी अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ही हैं। अब हम चलते हैं, हमारे जो अभी ये दो फैक्ट दिए हुए हैं इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? श्रीपति मिश्रा बनारसी। और क्या नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें? नेक्स्ट लिखा हुआ है श्रीपति मिश्रा बनारसी व बनारसी दास। और इसमें लिखा हुआ है आत्माराम गोविंद एवं केसरीनाथ त्रिपाठी दिया हुआ है। तो इसके बारे में फैक्ट मैंने अभी नीचे दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। श्रीपति मिश्रा बनारसी दास उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष थे जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आत्माराम गोविंद एवं केसरीनाथ त्रिपाठी तीन बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, और हृदय नारायण दीक्षित वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन तो कराए, लेकिन यदि इससे रिलेटेड बहुत से फैक्ट बताए, 6 के बहुत से क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऐसे आपको बताए हैं, लेकिन आपको क्या करना, हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ओके, थैंक यू, गुड डे टुडे। ओके, चैनल सब्सक्राइब। ओके गाइस, ओके फ्रेंड्स। ठीक है, तो शेयर वीडियो, हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। ओके गाइस, गुड डे टुडे। ओके, थैंक यू।